अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे इमाम साहब पर वीडियो लेकर आए हैं जिन्होंने मस्जिद के मिंबर से संसद की कुर्सी तक का सफर तय किया है। इमाम साहब ने जब संसद में अपना पहला भाषण दिया तो किस तरह से वे सबके दिलों पर छा गए, ये जानना और उनके इस भाषण को सुनना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है, फिर चाहे वे इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स हो। क्योंकि आपने यकीनन 2014 के बाद संसद में ऐसे बहुत से सांसदों को देखा होगा जिसने चीख कर चिल्ला कर सही को गलत साबित किया है। नाज़रीन, जब हम चीखने चिल्लाने बदजुबानी करने वाले सांसदों का ख्याल करते हैं तो यकीनन सबसे पहले हमारे जहन में सांसद रमेश बिधूड़ी का चेहरा आता है जिसने खुलेआम संसद की मान मर्यादा और इस मुल्क की एकता पर प्रहार करते हुए देश की संसद से मुसलमानों के लिए बदजुबानी की थी। ओ मुल्ले, ओ कटवे जैसे शब्दों से ये जता दिया था कि वे किस तरह से कि नफरत की सुनामी में वे पूरी तरह से डूबे हुए हैं और इसी का प्रचार प्रसार वो बतौर नेता इस मुल्क में नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, वही दूसरी तरफ जब रामपुर के सांसद मौलाना हबीबुल्ला नदवी को पहली मर्तबा संसद में बोलने का मौका मिला तो किस तरह से उन्होंने जनता की आवाज उठाई, आवाम के हक में आवाज उठाते हुए बताया कि कैसे सांसद बनने से पहले भी उनका मकसद खिदमत खल्क था। वे चाहते थे कि रामपुर के लोगों के लिए, वहां की आवाम के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो एम्स की तरह हो। और अपने पहले बयान में उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि यकीनन वो एक ऐसे सांसद हैं जिनके लिए आवाम का मुद्दा, उनके हक का मुद्दा सबसे ऊपर है। इस दौरान ना तो उन्होंने कोई वाद विवाद ही किया और ना ही कोई पुराने मुद्दे उठाए, बल्कि उन्होंने जिस चीज के लिए संसद का रुख किया था उस मुद्दे को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया। देखिए ये खूबसूरत वीडियो और आप मौलाना हबीबुल्ला नदवी साहब को कैसे देखते हैं और इस जज्बे को आप क्या और उनके जज्बे को सलाम करते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद में अपने देशवासियों के लिए सेहत की दुआ करता था। अब मुझे ये अवसर रामपुर की आवाम ने दिया है जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ कि उनके लिए सबसे पहले मैं उन सब के लिए ये आपके माध्यम से आपके मारिफत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रामपुर एक बड़ा गरीब ज़िला है, वहाँ बहुत बेरोजगारी है, इलाज के लिए लोगों को दर बदर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ रियासतों में जाना पड़ता है और जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसकी हालत इंतहाई काबिल रहम है जिसमें डॉक्टरों और मशीनों की बेहद कमी है। मैं आपके मारिफत से जनाब वजीर सेहत उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो रामपुर में एक एम्स जैसा अस्पताल और पूरे ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज रामपुर उसके आसपास के ज़िलों के होते हैं और वहाँ बेहद परेशानी होती है। रोज़ाना हम बात हो रही हैं रोज़ाना, और हम लोग सिवाय ख़त लिखने के या थोड़ा डॉक्टर भी बहुत प्रेशर में रहते हैं, वो क्या करें। इसलिए मैं आपके तवस्सुस से अपने उन इलाके और ख़ास तौर पर रामपुर ज़िले में एक ऐसा अस्पताल जो तमाम आसपास के ज़िलों के बोझ को और कैपिटल के अस्पतालों के बोझ को भी कम करें, जिसका ख्वाब माने हमारे स्वर्गीय वजीर आजम जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि देश में एम्स की तरह के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो। तो रामपुर में अगर आपके तवस्सुस से मोहतरम वजीर साहब फैसला लेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत आपकी तरफ से और पूरे देश की सबसे बड़ी जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसकी पार्लियामानी असम्बली है, इसकी तरफ से ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए और रामपुर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। और चूंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बराबर की मस्जिद में अपने देश के तमाम बच्चों के लिए दुआ करता था और ये मेरी पहली मांग है। अगर इसको जनाब वजीर तवज्जो देंगे तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा और मेरे ज़िले के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। थैंक यू।